नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पामगढ़ क्षेत्र में हो रही लगातार अवैध रेत उत्खनन खनन के खिलाफ जोगी कांग्रेस के नेता संजू खरे सहित कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार पामगढ़ को अवैध खनन पर रोक लगाने ज्ञापन सौंपा था। रेत उत्खनन खनन पर कार्रवाई नहीं होने पर भेंट मुलाकात के कार्यक्रम पामगढ़ आगमन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को काला झंडा दिखाने की बात कही थी। आज सुबह से ही जोगी कांग्रेस नेता संजू खरे के घर पर ही पुलिस बल पहुंच गई है, जहां घर में ही कैद है जोगी कांग्रेस नेता संजू खरे। पामगढ़ क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध रेत खनन के खिलाफ जो भी कांग्रेस ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था और आवेदन में यह बात स्पष्ट उल्लेख किया था कि जब तक पामगढ़ क्षेत्र अवैध रेत खनन के खिलाफ शासन द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो पामगढ़ आने पर सीएम भूपेश बघेल को काला झंडा दिखाएंगे, जिसके बाद पुलिस अलर्ट में आने के बाद आज सुबह 4 बजे से ही घर में पुलिस का पहरा लगा दिया गया था। जानकारी पामगढ़ से इंद्रदास महंत की रिपोर्ट। किस तरह की तैयारी थी आप लोगों की और क्या स्थिति बनी इसके बाद? हम लोग का मांग था कि मतलब यहाँ पर जो तनाव है और देवरी में 5,000 करीब का डम रेत था और ये तनाव में लगातार आज बरसात समय से भी लगातार लेकर आता रेत है। जो भू माफिया है लोग लगातार उसमें फ़ायदा उठा रहे थे, शासन को नुकसान कर रहे थे और क्या बोलते हैं कि वो लोग वहाँ पर रोड को भी इतना गंदा कर दिए हैं, अब रोड में जा नहीं सकते आप, आम आदमी चल नहीं पाएंगे वहाँ पर। इस टाइप का वहाँ का रोड हो गया है जो सड़क है वो, है ना, इसलिए हम लोग वहाँ बहुत बर्बाद शिकायत आ रहा था। हम लोग यहाँ पर SDM साहब को ज्ञापन दिए तहसीलदार के माध्यम से कि सर यहाँ पर ऐसा सा बात हुआ है और ये आप लोग को यहाँ पर कार्रवाई करना है, आप देख लीजिए आप क्या करना नहीं करना है, अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उसको हम लोग काला झंडा दिखाएंगे। उसके तहत फिर ये लोग कुछ कार्रवाई की तहसीलदार साहब या माइनिंग वाले कुछ किए हैं कार्रवाई, हमको उसमें दिए कि मतलब हम लोग कार्रवाई कर दिए हैं, अब वहाँ पर अब दोबारा इस टाइप का काम नहीं होगा, क्योंकि बंदा जो उसे बंद हो चुका था, टेंडर भी समाप्त हो चुका था और 5,000 से ऊपर वहाँ पर डंपिंग है देवरी में। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि भाई सारा जो जितना भी गाड़ी वहाँ चल रहा है और ये जो पुकलेन लगा हुआ है वहाँ पर, दो दो पुकलेन लगा हुआ था और ये सब को जब्त करेंगे, लेकिन 3-4 हो ट्रैक्टर कुछ हुआ है उन लोग का, हम लोग को बताया कि मैं जब्ती बना दिया हूँ अब दोबारा इस टाइप का नहीं होगा, तो आप लोग इसको स्थगित कीजिए ऐसे कि हम लोग ठीक है अब आगे का आश्वासन हमको दीजिए कि भाई आप लोग आगे में जाके मतलब इस टाइप का मतलब काम ना करें, फिर दोबारा ना हो बिना टेंडर का भी बिना राज्य का भी शासन को भी शासन मतलब हमारे 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 जेब को खाली हो रहा है, ऐसा बात है वो तो कहीं कहीं हमको नुकसान हो रहा था वहाँ पर। कौन है ठेकेदार और किसको संरक्षण है क्या अधिकारियों का? हाँ, अधिकारियों का संरक्षण तो है, तभी तो हो पा रहा था ना, जब 15 जून से खत्म हो चुका है पूरा बरसात भर, क्योंकि तनौद ऐसा एक नदी है जहाँ बरसात भर चलता है, और अभी तो लगा मेरा वीडियो है सब चीज़ है मेरे पास में, लगातार वहाँ पर चल रहा था, वहाँ पर हाईवा लिख रहा था 200, 100, 150 ऐसे टाइप के ना रोजाना वहाँ पर हाईवा लिख रहा था वहाँ पर। कौन कर रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले हैं फिर कौन है? अब देखो सत्ता पक्ष वाले ही होंगे तभी तो कर रहे हैं ना, उसी के संरक्षण में हो रहे हैं ना, तभी तो कर पा रहे हैं ना, विपक्ष वाले तो कर नहीं पाएंगे। आज क्या हुआ जिसके ऊपर बस पुलिस यहाँ पर आई थी? हाँ, पुलिस हमको यहाँ पर सुबह 5 बजे से हमको गिरफ्तार कर लिए हैं घर में, नज़र बंद कर दिए थे हमको यहाँ पर और हमको घर से निकलने नहीं दे रहे थे। अब अभी ठीक है, अभी तो फिलहाल अभी बाहर निकले हैं अभी आप लोग।